ये देखिए फ्रेंड्स, पेनल्टी वाले गद्दी लोग जो है आज छैला पहुंच गए हैं और हमारी रोड। और वैसे काम तो कोई भी आसान नहीं रहता है फ्रेंड्स, ये लोग भी दिन रात बाहर रहते हैं चाहे जैसे मर फ्रेंड्स। और ये देखिए जी, आज गिरी नदी तो इतनी नज़दीक है यहाँ से, जय गंगा मैया से जो है वो गद्दी लोगों हिमाचल प्रदेश में वन देवी अथवा प्रकृति माँ को बनाली के रूप में पूजा जाता है। और विकास और आधुनिकता के नाम पर हमारे ऐसे सुंदर रीति रिवाजों को छोड़ देना ही जो है आज की डेट में लोगों की सोच। सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है वरुण शर्मा, मैं हूँ हिमाचल प्रदेश शिमला की घूंट रियासत से। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज मैं आया हुआ हूँ अपनी लोकल मार्केट साइट फ्रेंड्स। और ये देखिए जी, आज गिरी नदी तो इतनी नज़दीक है यहाँ से, जय गंगा मैया से जो है वो गद्दी लोगों ने क्रॉस किया है फ्रेंड्स। तो सामने देखिए थोड़ी सी आग भी लगी हुई है, वहाँ पे देखिए नीचे लोग हैं, शायद ने लगाई होगी। और नदी के दूसरी तरफ भी आग लगी है, ये पता नहीं कैसे लगी होगी, हो सकता है इनके सगी साथी कोई उस साइड भी होंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी आग हो गई है और भी कुछ इस तरह का है, बहुत ही प्यारा प्यारा सा दोस्तों। और नीचे देखिए गिरी नदी बहुत ही प्यारी लग रही है। और सामने देखिए जी, अब लो हाइट में खेतों में जो है लोगों ने गोभी वगैरह लगा दी है। इस गांव का नाम है डलौर गांव फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जी, सेब के पेड़ भी लगाए गए हैं यहीं पे नीचे, और साथ में ऊपर गोभी भी लगाई गई है और सेब के पेड़ भी मिक्स है। और उस तरफ तो गोभी ही लग रही है फ्रेंड्स। और वहाँ पर देखिए जी, हमारी गाँव की लिफ्ट का प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, जो हमारे गाँव के लिए लिफ्ट का पानी आता है और वहीं से आता है फ्रेंड्स। और अब तो सब जगह हरियाली होने की वजह से बहुत ही प्यारा नज़ारा हो गया है। ये देखिए सामने का, ये देखिए फ्रेंड्स, पेनल्टी वाले गद्दी लोग जो है आज छैला पहुंच गए हैं और हमारी रोड पे इधर जो है जाम लग गया अभी थोड़ा सा। मैं भी मार्केट साइड था फ्रेंड्स आया हुआ, तो अब मैं घर के लिए वापसी कर रहा हूँ। यहाँ से सामने इस पे देखे थे फ्रेंड्स, अब ये देखिए प्यारा सा कुत्ता भी है इनके पास। तो चलिए यहीं रुक लेते हैं फिलहाल। छोटा सा बकरू कितना प्यारा है फ्रेंड्स, ये डरते भी है वैसे, शायद ये मेरे से डर भी रहे हैं, पर मैं वैसे हूँ तो साइड में फ्रेंड्स, आप भी देख सकते हैं। लड़ाई भी चली हुई है। और वैसे काम तो कोई भी आसान नहीं रहता है फ्रेंड्स, ये लोग भी दिन रात बाहर रहते हैं चाहे जैसे मर्जी मौसम हो, धूप वाला हो, बारिश हो, बरसात हो, सर्दी हो, तो ये जो है नीली छतरी के नीचे ही अपना गुजारा करते हैं। और सबके काम में चैलेंजेस होते हैं फ्रेंड्स, किसान के लिए भी अलग चैलेंजेस है। आप कोई जॉब वगैरह करते हो तो वहाँ की अपनी कठिनाइयाँ हैं, तो इस काम की भी अपनी कठिनाइयाँ हैं। बीच में मैं अभी वीडियो सेव कर रहा था तो उस दौरान मैंने इनसे बात करी, तो ये बता रहे थे कि इनकी एक बकरी जो है वो उसका पैर टूट गया है और पीछे कहीं वो गायब है। तो अभी बोल रहे थे कि हमारे को जो है वापस आना पड़ेगा उसको ले जाने के लिए। और मेरे को बोल रहे थे कि आप अगर इधर ही रुक रहे हैं तो ध्यान रखना थोड़ा। तो मैंने तो बोला जी कि मैं तो बस बकरी को पास देने के लिए साइड में रुका हूँ, बाकी तो अगर कहीं दिखेगी तो देख लूँगा। तो बेचारे ये भी चले गए, फिर बार बार वापस भी देख रहे थे। तो इसी तरह से हर काम में चैलेंजेस रहते हैं फ्रेंड्स, आसान तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र है ये धरती ही, तो कर्म प्रधान भी है और कर्म में थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। थोड़ा सा ऊपर आने पर ये देखिए जी, यहाँ से सामने ही दिखती है पराला मंडी और साथ साथ में चील का जंगल जो है यहाँ से बहुत ही प्यारा दिखता है। ये देखिए जी, और आजकल जो है
बसंत ऋतु होने की वजह से हर प्रकार के पेड़ पौधों में जो है वो फूल वगैरह आ रहे हैं। तो ये देखिए जी, पोती झाड़ी के पौधों में भी जो है कुछ इस तरीके से फूल आते हैं, और सामने ये कंबल झाड़ियाँ भी फूल आने की वजह से बहुत ही सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। और वहाँ का व्यू तो इतना सुंदर है कि जितना भी कैप्चर करो वहाँ का वीडियो उतना कम लगता है दोस्तों। ये देखिए, और गद्दी लोग जो हमें रास्ते में मिले थे फ्रेंड्स, शायद वो कल यहीं पे रुके थे, और व्यू बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश में वन देवी अथवा प्रकृति माँ को बनाली के रूप में पूजा जाता है, और सावन के महीने में शनोड़ा करके एक विशेष तिथि आती है फ्रेंड्स। तो उस दिन यहाँ पे गांव के दुधारू पशुओं को और बैलों को लाके इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाया जाता है, और यहाँ पे वन देवी की उस दिन पूजा की जाती है। एक रोट बनाया जाता है, वो जो है पशु को खिलाया जाता है, और उसके साथ ही स्टफिंग वाली रोटियाँ घी के साथ जो है जो गवाला होता था पुराने ज़माने के टाइम में, उसको यहीं पे खिलाया जाता है। तो उस कुछ इस तरीके से बनाली शनोड़ा फेस्टिवल को जो है वो मनाया जाता था फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में। लेकिन आज की डेट में अब जो है लोगों द्वारा पशुपालन बहुत ही कम किया जाता है, लोगों द्वारा जो है अब एक एक पशु ही रखा जाता है, और वो ऐसी खतरनाक पहाड़ियों पे चढ़ नहीं पाते हैं, तो पशुपालन ही कम हो गया है। तो बनाली का किस तरीके से, शनोला को किस तरीके से लोग सेलिब्रेट करेंगे, पहले तो ये जो भी ऐसा मतलब सरकारी ज़मीन कह सकते हैं आप, ये वहीं पे बनी होती थी, लेकिन अब बनाली जो है वो हमारे गांव में कहीं भी आप चले जाएंगे तो बहुत ही कम रह गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे पूरे इलाके में अच्छी बनाली केवल इसी जगह पे देखने को है फ्रेंड्स, बाकी तो अब गायब ही हो गई है बनाली, जो कि अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स। विकास और आधुनिकता के नाम पे हमारे ऐसे सुंदर रीति रिवाजों को छोड़ देना ही जो है आज की डेट में लोगों की सोच बन गई है, और इस तरह जो है कुछ मॉडर्न ज़माना आया है, जो कि अच्छी बात नहीं है दोस्तों। और ये देखिए जी, इस समय जो है शाम के 6:30 होने वाले हैं, और आज बादलों की वजह से बहुत ही सुंदर नज़ारे हो गए हैं सब जगह फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लोज करते हैं आज का ब्लॉग। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं वरुण शर्मा आपको मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग में। जय देवभूमि हिमाचल।